हाय एवरीवन, आई एम नरेश प्रजापति एंड यस, आज जो आप सीखने वाले हैं वो आपके सामने में रखता हूं, तो आप जरा ध्यान से देखिए। सो गाइस, आपके सामने मैंने कुछ ब्लैंक्स रखी है और वो खाली जगह में जो ऊपर लिखा है उसके हिसाब से क्या आना चाहिए, आपके पास एक मिनट है। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, टाइम इज़ ओवर, टाइम पूरा हो गया और अब हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ क्या आता है। तो बोलो ए आएगा कि एन? ओके, ए ए या एन क्या आएगा? ए एन क्या लिखा है आपने या क्या सोचा है? गाइस, अब मैं आपके सामने कुछ रखता हूँ, यू विल बी सरप्राइज। नो 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 नो, और यहाँ बाद में यहाँ नो, ए या एन दोनों में से एक भी नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे और यस, अगर आपकी सारी ब्लैंक सही है तो भी आप एक ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हैं जो आज तक कोई बुक में अवेलेबल नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ दोस्तों कि जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर कोई बुक में मिली तो उसके बाद हमारा चैनल देखना बंद कर दीजिएगा। चैलेंज है। So are you ready? Awesome. Guys, अब यहाँ जो चीज़ें लिखी है उससे पहले मैं आर्टिकल के बारे में कुछ सवाल करूँगा और वो भी शायद आपने कभी नहीं सीखे होंगे। नंबर वन, आर्टिकल्स के मीनिंग कितने हैं? नंबर टू, आर्टिकल के प्रकार कितने हैं? नंबर थ्री, आर्टिकल्स कितने हैं? एंड नंबर फोर, ए एन कहाँ आता है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कि आर्टिकल के मीनिंग्स कितने हैं? इट हैज़ फोर मीनिंग्स, चार मीनिंग है दोस्तों। पहला मीनिंग है लेख, जैसे कहते हैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल लेख। सेकेंड मीनिंग है चीज वस्तु, जैसे फ्रेंड्स का बर्थडे है, आप खरीदने के लिए, गिफ्ट खरीदने के लिए कहा जाएंगे, गिफ्ट्स एंड आर्टिकल शॉप। और तीसरा मीनिंग है दोस्तों, थर्ड मीनिंग है, डेट इज दफा 302, आर्टिकल 302 आपने सुना होगा। और चौथा मीनिंग है That is उपपद, means उपपद, जो ग्रामेटिकल इसका मीनिंग है। Now second, प्रकार कितने हैं? प्रकार तीन नहीं है, प्रकार दो है, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट है। और इनडेफिनिट का मीनिंग अनिश्चित, तो सामने हो गया निश्चित। और आपने वो मूवी में कभी देखा होगा, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, राउडी राठौड़। तो उसमें जो डेफिनेटली आया था ना, वो डेफिनिट से डेफिनेटली बना है। ओके, और अब आर्टिकल्स कितने हैं? हाउ मेनी? थ्री, ए एन द है। तो दोस्तों ए एन उसको इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। और ए एन कहाँ यूज होता है तो वो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ए और एन, तो ए कहाँ यूज होता है, उससे पहले उसको कैसे बोलते हैं, तो इसको या तो हम अ बोलते हैं या तो हम ए बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ऑफ कोर्स एन बोलते हैं। नाउ ए एन हम कहाँ यूज कर सकते हैं? तो उसके तीन नियम है, थ्री रूल्स है। नंबर वन, पहले तो नाउन होना चाहिए, लेकिन वो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, काउंटेबल एंड कॉमन होना चाहिए, मतलब नाम एक वचन, नाउन एक वचन होना चाहिए, गिन सके मतलब काउंटेबल होना चाहिए, एंड कॉमन होना चाहिए। और उसके बाद आता है दोस्तों उच्चार,
प्रोनंसिएशन, कुछ लोगों को उच्चार में उच्चार का उच्चार नहीं आता, वो बोलते प्रोनाउंसिएशन, डेट्स रॉन्ग। क्या बोलना है? प्रोनंसिएशन। मेरे साथ बोलो, क्या बोलना है? प्रोनंसिएशन। ओके, तो दोस्तों आगे देखते हैं कि उसका आधार बेसिकली उच्चार पर है, और उच्चार के दो तरीके हैं दोस्तों, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। और स्वर को इंग्लिश में वोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल। और इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। ओके, अब स्वर के आगे क्या आएगा और व्यंजन के आगे क्या आएगा, उसका भी एक मेमोरी टेक्निक है दोस्तों। आंसर का स्पेलिंग अगर आप जानते हैं तो इतना भाग आप करोगे तो पता चलेगा कि स्वर के आगे एन और व्यंजन के आगे ए रखना है। अब यहां देखते हैं एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी अमेजिंग टेक्निक। लेकिन उससे पहले ए जो सीखा है उसके बेस पर पहले देखे और फिर वो अमेजिंग टेक्निक जो कोई बुक में नहीं मिलेगी वो देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ ओनेस्ट, राइट? तो ओनेस्ट नाउन नहीं है। ओके, यहाँ गर्ल्स है लेकिन एक ऐसा है प्लूरल बहुवचन है, और होना कैसा चाहिए? एक वचन, तो इसलिए नहीं आता। इंक काउंटेबल नहीं है इसलिए नहीं आता, और गुड वो नाउन नहीं है इसलिए नहीं आता। अंकित नाउन तो है लेकिन प्रॉपर है, कॉमन नहीं है, और गो एक क्रियापद है इसलिए नहीं आता, और इसमें हम बाद में सीखते हैं, एंड यहाँ प्लूरल बहुवचन है इसलिए नहीं आता। तो दोस्तों ये मैंने कुछ ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से सिखाया, लेकिन जो मेमोरी टेक्निक है वो अब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मानो ये सारे रूल्स आपको याद नहीं रहते, तो बेसिक चीज़ें याद रखना है वो ये है दोस्तों कि आपको उच्चार का प्रथम अक्षर ध्यान में रखना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए कहाँ आएगा और एन कहाँ आएगा। तो ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं, ए ई आई ओ यू, ये भले ही स्वर है वोवेल से लेकिन ये चीज़ें ध्यान में रखनी नहीं है आपको। आपको उच्चार का प्रथम अक्षर, जैसे मैंने लिखा है सी ओ डब्ल्यू, तो आपको सी ध्यान में नहीं लेना है, आपको काउ मींस ये जो क है ना वो ध्यान में लेना है। जैसे कि क से लेके ज्ञ है, ये सारे क्या है? व्यंजन है, और इसलिए ये आएगा। और अ से लेके अह, ये सारे स्वर है, और इसके आगे एन आएगा। मतलब व्यंजन ध्वनि है तो आपको ए रखना है, स्वर ध्वनि है तो आपको एन रखना है। अब इतनी चीजें आ गई तो मैं आपको एक लाइन में सारी चीजें ओनली वन लाइन में सिखा सकता हूं। सो लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों मानो ये रूल्स नहीं आते तो कोई बात नहीं, एक ही रूल याद रखो कि ऐसा कोई भी शब्द, कोई भी नाम जिसके आगे आप एक लिख सकते हैं या एक बोल सकते हैं। मेरा मतलब यह है दोस्तों कि एक बोलने के बाद वो शब्द मीनिंगफुल रहना चाहिए। जैसे कि क्या एक पानी बोल सकते हैं? एक पानी तो मैंने अभी बोला लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगफुल नहीं है। आर यू क्लियर? तो जिसके आगे एक रख सकते हैं, जैसे कि मुझे पेन दीजिए, तो दोस्तों इसमें मुझे पेन दीजिए इसमें हम एक रख सकते हैं, यस मुझे एक पेन दीजिए, तो पेन के आगे उच्चार के हिसाब से अ आएगा। आर यू क्लियर? ओके, अब यहां देखते हैं, जैसे पहला शब्द है ओनेस्ट, तो फिर एक बार कहता हूं कि जिसके आगे हम एक हिंदी में बोल सकते हैं या तो एक लिख सकते हैं, और वो बोलने या लिखने के बाद वो सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है ना, तो उसके आगे उच्चार के हिसाब से, उसके आगे उच्चार के हिसाब से आपको ए या एन रखना है। जैसे ओनेस्ट है, उसके आगे हम एक नहीं बोल सकते, जैसे कि वह एक ओनेस्ट है। चलो दो ऑप्शन देता हूँ, वह एक ओनेस्ट है वो सही है, कि वह एक ओनेस्ट व्यक्ति है वो सही है। तो वह एक ओनेस्ट है वो सही नहीं है, इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर ये बोलना है कि ओनेस्ट व्यक्ति है तो ओनेस्ट पर्सन है, तो यहाँ एन आएगा। और एन क्यों रखा? क्योंकि इसको होनेस्ट नहीं ओनेस्ट बोलते हैं। आर यू क्लियर? और इसलिए ये क्या है? अ क्या है? स्वर ध्वनि है, इसलिए एन आएगा।
दूसरा गर्ल्स, लड़कियां, एक लड़कियां बोल सकते हैं, बोला तो सही लेकिन मीनिंग नहीं रहता ना, एक लड़की बोल सकते हैं, एक लड़कियां नहीं बोल सकते तो नहीं आएगा। तीसरा क्या है, इंक, एक इंक बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, हाँ इंक की एक बॉटल है तो बोल सकते हैं, एक इंक की बॉटल, तो इंक बॉटल है तो आएगा लेकिन ओनली इंक है नहीं आएगा। गुड, चलो गुड मतलब अच्छा, एक अच्छा बोल सकते हैं कि एक अच्छा लड़का बोल सकते हैं, तो एक अच्छा नहीं बोल सकते इसलिए नहीं आएगा। हाँ गुड के पीछे बॉय है गर्ल है तो आएगा। ओके, हम एक अंकित बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते इसलिए नहीं आएगा। हाँ अंकित की जगह एक लड़का है तो अ बॉय ऐसा आएगा। गो, गो मतलब जाना, एक गो ऐसा तो नहीं बोल सकते इसलिए नहीं आएगा। क्या एक यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, तो यहाँ उच्चार के हिसाब से आना चाहिए, तो यहाँ एन नहीं ए आएगा। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज, क्योंकि यहाँ हमें यू ध्यान में लेना नहीं है, इसका यूनिफॉर्म का जो य है वो य, ये दोनों में से कहाँ आएगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ आएगा, व्यंजन है इसलिए क्या आएगा, ए आएगा। ज्यादातर लोग यहाँ एन लिखते हैं, वो गलत है। एंड लास्ट आवर्स मतलब घंटे, एक घंटा ऐसा बोलेंगे तो एन आएगा, लेकिन ये तो आवर्स मतलब प्लूरल है इसलिए यहाँ नहीं आएगा। इसकी जगह मानो ऐसा है एच ओ यू आर, तो क्या आएगा, एन, क्योंकि हम हवर नहीं आवर बोलते हैं। आर यू क्लियर, तो ए टेक्निक है दोस्तों। नाउ आपके साथ एक और चीज शेयर करूंगा, वो ये है दोस्तों कि अगर ये फ्री डेमो लेक्चर में, आई मीन ये फ्री लेक्चर में हम आपको ऐसा सिखाते हैं तो रियल में कितना अमेजिंग होगा, जरा सोचो गाइस। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर की नहीं है, ऐसी अमेजिंग टेक्निक सीखना चाहते जो किसी बुक में नहीं लिखी, तो हमारी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है इंग्लिश शेपर, और ये प्रोडक्ट दोस्तों इतना बिक रहा है, पूरे इंडिया में बिक रहा है, राजस्थान हो, MP हो, UP हो, बिहार हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, सारे लोग खरीद रहे हैं क्योंकि Amazon पर अवेलेबल है, जिसका नाम है इंग्लिश शेपर। आप परचेज करके इंग्लिश घर पे सीख सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है, आप वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आप पूरा फैमिली नहीं, आपके दोस्तों के साथ भी आप सीख सकते हैं। हाँ उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है वो प्रोडक्ट के साथ है, कैसे यूज़ करना वो है दोस्तों। एंड सबसे बड़ी चीज़ है, तीन जगह से अवेलेबल है, नंबर वन Amazon से आप परचेज कर सकते हैं, दूसरा हमारी वेबसाइट है www.englishshaper.in, और तीसरा है ऑफलाइन मतलब हमारी जो ऑफिस अहमदाबाद में है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा फल है जो मीठा है लेकिन बाजार से नहीं मिलता, और आपके पास है 5 seconds, 1, 2, 3, 4 and 5, एंड द आंसर इज ऑफकोर्स मेहनत का फल। तो मेहनत का फल बाजार में नहीं मिलता, राइट? ओके गाइस, तो मैंने आपके साथ शेयर किया, अब ऐसा ही एक बढ़िया अमेजिंग लेक्चर द पर, आर्टिकल द पर मैं आपको सिखाने दिखाने वाला हूँ, तो आप तैयार रहिएगा। और यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग शेयर करते हैं वो दूसरों की केयर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इंग्लिश शेपर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, लर्न इंग्लिश थ्रू वीडियो लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। English Shaper, created by Mr. Naresh Prajapati, speaking expert and memory trainer. दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल आज ही सब्सक्राइब करें, और हाँ जो बेल का बटन है वो जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको सीधा ही मिल जाए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।